हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार मधुबनी बिहार से। वर्तमान में मैं NF रेलवे के लर्निंग डिवीज़न में ग्रुप डी के पोस्टेड हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में प्रमोशंस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे को ग्रुप डी की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसी पोस्ट पर रहना होगा। आप प्रमोशंस लेके हायर पोस्ट तक जा सकते हैं। ASM गुड्स गार्ड्स और TC तक बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और रेलवे में प्रमोशंस दो प्रकार से होते हैं। पहला तो एक पहला जो कि खुद ब खुद होता है सीनियरिटी बेसिस पे, कि आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं तो एक टाइम के बाद आपको नेक्स्ट पोस्ट मिल जाता है। तो ये जो खुद ब सीनियरिटी बेसिस पे जो प्रमोशंस होता है उसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। तो ये लोग हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रेलवे में दो तरह का होता है। पहला GDC, दूसरा LDC। LDC की बात करें सबसे पहले हम लोग, तो LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो LDC में क्या है कि अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकलता है, कि अगर आप ट्रैफिक के हैं तो ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक का कोई भी पोस्ट का जो वैकेंसी आया LDC के थ्रू, तो ट्रैफिक वाला ही जोन वाइज ही है। जो LDC या GDC होता है वो जोन वाइज है। अगर आप गुवाहाटी से, जैसे हम लोग गुवाहाटी जोन से हैं, तो गुवाहाटी जोन वाला ही इसमें डाल सकता है। दूसरे जोन का नहीं, कैंडिडेट या एम्प्लॉय नहीं उसमें डाल सकता है। तो LDC में जो होता है कि डिपार्टमेंटल वाइज वैकेंसी निकलता है, कि अगर ट्रैफिक का है कोई पोस्ट का वैकेंसी तो LDC के थ्रू, तो ट्रैफिक का ही एम्प्लॉय उसमें एलिजिबल है और उसमें डाल सकता है। इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जॉब 5 इयर्स का होना चाहिए। 5 इयर्स आप जॉब कंप्लीट कर सकते हैं तो LDC के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते कि जिस पोस्ट के लिए आप वैकेंसी डालेंगे उस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको पास होना चाहिए। जैसे अगर ASM या गुड्स गार्ड का है तो आप ग्रेजुएशन उसमें आपका होना चाहिए पूरा। और इसका जो सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस जो जिस डिपार्टमेंट में आपका ज्वाइनिंग होता है और उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछा जाता है। ये आसान हो जाता है क्योंकि 5 साल जो हम लोग उसमें जॉब करते हैं तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी हम लोग को मिल जाता है। और हम लोग आराम से अगर कुछ ध्यान दे दें तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और दूसरा बात करें GDC, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो ये है कि सारा जनरल है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारा इसमें डाल सकता है। जब वैकेंसी जनरल GDC के थ्रू निकलती है कोई भी पोस्ट के लिए, तो जितने भी ट्रैफिक हो या सिग्नल हो या टेलीकॉम हो या इंजीनियरिंग हो या कमर्शियल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके एम्प्लॉय उसमें भर सकते हैं, बशर्ते कि उस पोस्ट के लिए जो क्या बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जॉब 5 इयर्स या 10 इयर्स या कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अगर रेगुलर रेगुलर एम्प्लॉय बन चुके हैं रेलवे का तो आप इसको भर सकते हैं। रेगुलर से यहाँ मतलब है कि जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो हम लोग प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, मतलब टेम्प्रोरी हम लोगों का ज्वाइनिंग होता है 2 इयर्स के लिए। जैसे हम लोगों का अभी जो ज्वाइनिंग 2018 वाला हुआ है ग्रुप डी के पोस्ट पर, तो हम लोगों का 2 इयर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड है। और सब कोई भी ज्वाइनिंग कोई भी पोस्ट पर आप कीजिएगा तो प्रोबेशन पीरियड में ही हम लोगों का ज्वाइनिंग होता है। रेगुलर 2 साल के बाद ये आप रेगुलर एम्प्लॉय बनते हैं। तो ये पीरियड होने के बाद ही आप GDC के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे हम लोग केस में था कि जब हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम में NF रेलवे में GDC का TC के पोस्ट पर
कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में निकला था एग्जाम वैकेंसी, लेकिन हम लोग फॉर्म डाले भी थे लेकिन हम लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो जब हम लोग रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे तो तब अगर कोई वैकेंसी आती है GDCE के थ्रू तो हम लोग डाल सकते हैं, और पर अति अगर क्लियर करते हैं तो हम लोग हायर पोस्ट पा सकते हैं। और यहाँ तो GDC का सिलेबस का बात करें तो GDC का सिलेबस जो है सो पूरे, जैसे हम लोग RRC के थ्रू जो RRB के थ्रू जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका जो सिलेबस है वही GDC के थ्रू रहता है, जैसे मैथ रीजनिंग यही सब रहता है, GK GS यही सब रहता है। और GDC में एज लिमिट है 40 ईयर्स, जनरल OBC का 40 ईयर्स और SC ST का 45 ईयर्स करके है। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो 2019 का वैकेंसी निकला है अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके थ्रू जो ज्वाइनिंग होगा तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रैक मेंटेनर मिलता है, जैसे हम लोग ट्रैक मैन हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलता है तो उसमें और ट्रैक मैन पोस्ट मिलता है तो आप LDC नहीं भर सकते हैं, मतलब LDC ट्रैक मेंटेन के लिए फिलहाल नहीं है। हम लोग प्रमोशन GDC के थ्रू ही जा सकते हैं, जिसमें सारा डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट कॉमर्शियल ट्रैफिक सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियरिंग जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारा उसमें डालता है। तो हम लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर करना, चूँकि वैकेंसीज कम आती है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप ट्रैफिक में चले जाते हैं, पॉइंट्समैन बन जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पर TC का भी वैकेंसी आप भर सकते हैं, गुड्स गार्ड ASM का भी जो भी वैकेंसी आएगा तो LDC के थ्रू, तो उसमें आप बहुत जल्द प्रमोशन लेकर बन जाते हैं गुड्स गार्ड, या प्रमोशन ले सकते हैं स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगा अच्छा आप लोगों के लिए कि अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं तो आप लोगों का प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम से जुड़कर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।